घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल आलू गोभी। ये रेगुलर स्टाइल आलू गोभी से थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले चार काजुओं को गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगोना है और फिर मिक्सर ग्राइंडिंग जार में एक बड़ा टमाटर लेंगे, एक से दो कश्मीरी लाल मिर्ची लेंगे, आप चाहे तो ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हैं, भिगा हुआ काजू लेंगे पानी निकाल के और सब कुछ फाइन पेस्ट होने तक अच्छे से पीस लेना है। टमाटर का पेस्ट पीस के तैयार है, इसे अब एक तरफ रख देना है। अब गोभी और आलू को हम शैलो फ्राई करेंगे, तो एक कढ़ाई में थोड़ा तेल लेना है और 200 से 250 ग्राम जितना फूलगोभी लेंगे और इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन कलर आने तक अच्छे से पका लेंगे, ये लगभग 60-70% कुक हो जाना चाहिए। जब इसमें हल्का गोल्डन कलर आ जाए तब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और एक मीडियम आलू को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, इसे भी गोल्डन कलर होने तक तल लेंगे मीडियम फ्लेम पर, जब तक ये 60-70% कुक ना हो जाए। आलू को भी तेल में से निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में से तेल को निकाल लेना है और दो बड़े चम्मच सरसों का तेल लेना है और इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा, एक चौथाई छोटी चम्मच हींग, एक मीडियम साइज का प्याज ग्रेट करके, 3 से 4 कली लहसुन की ग्रेट करके, 1 इंच अदरक का टुकड़ा पतला पतला स्लाइस करके और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन होने तक अच्छे से मसाले को पका लेना है। मसाला भुन जाए तब हम इसमें टमाटर और काजू का पेस्ट डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक, मिक्स कर लेंगे और आंच धीमी रखेंगे। इसमें 1/4 कप से 1/2 कप जितना पानी डालेंगे और 1/4 कप मटर लेंगे उबले हुए या फ्रोजन। ढक्कन लगा के धीमी आंच पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे तेल अलग होने तक। अब हम फ्राई की हुई गोभी और आलू डालेंगे और 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी अगर थिक लगे तो इसमें थोड़ा पानी और डाल सकते हैं। ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि फ्लावर और आलू एकदम अच्छी तरह ना चढ़ जाए। 3-4 मिनट के बाद आलू गोभी की सब्जी बन के तैयार है और सर्व करने के लिए रेडी है। रेगुलर आलू गोभी से थोड़े अलग टेस्ट की ये सब्ज़ी सभी को पसंद आती है और ये बहुत अच्छी लगती है गरम-गरम फुलके के साथ।